पंचाल की पर्वत और नीचे खाई में बहती हुई रावी नदी, उसके बीच में ये टेढ़े मेढ़े जीवन के जैसे घुमावदार रास्ते जिसमें आपको ही अकेले सफर तय करना है। आज हम जा रहे हैं चंबा से भरमौर, 60 किलोमीटर है भरमौर चंबा से और 2 घंटे का टाइम बताया है। हिमाचल सरकार चंबा से भरमौर का रास्ता भी चौड़ीकरण का काम चल रहा है और चंबा से भरमौर की तरफ पहले 20 किलोमीटर जो पहला पुल आता है रावी नदी पे, वहाँ तक की रोड बहुत अच्छी बना दी गई है। ब्रह्मपुरा भी कहते हैं और प्राचीन समय में ये चंबा जिले की राजधानी हुआ करती थी। बीआरओ और हिमाचल गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है कि इस रोड को और चौड़ा करके आम लोगों के लिए और आसान रास्ता बनाया जा सके ताकि और लोग भरमौर जा सकें। इसमें कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगह रोड चौड़ीकरण काम चल रहा है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच में ही स्थित है ये शिवभूमि भरमौर। अगर आप चंबा से भरमौर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बीच में छोटे छोटे गांव भी पड़ते हैं जहां बहुत बेसिक सी चीज़ें मिलेंगी। चंबा से भरमौर 60 किलोमीटर में कोई भी रेस्टोरेंट या खाने पीने का स्थान नहीं है। पहाड़ों के पत्थरों को काट के बनाई हुई सुरंगें और सकरे रास्ते मन मोह ले रहे हैं। इन खूबसूरत सकरी सड़कों के आसपास जो पत्थर है, लगता है इसमें कुदरत ने नक्काशी की हुई है। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं और बहुत प्यारा अनुभव है यहाँ पे ट्रैवल करने का। हम इस बात से भी बहुत एक्साइटेड थे कि शायद मौसम बदल जाए और हमको भरमौर में स्नोफॉल या बर्फ दिखाई दे। के 20 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल अपने वास्तविक रूप में है, वही सकरी सड़कें हैं जो पुराने जमाने की बनी हुई हैं और सामने हमको धौलाधार रेंज दिखाई देना शुरू हो गई है। भरमौर रावी वैली और चिनाब वैली के बीच में बना हुआ बसा हुआ एक छोटा सा गांव है जिसकी झलक हमको 4 किलोमीटर पहले दिखाई दी।
ये है भरमौर का बस स्टैंड और यही राइट साइड से ऊपर 84 मंदिर का रास्ता जाता है। ये आधा किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ही सकरा रास्ता है। आसपास दुकानें हैं, बाज़ार है, और आप इस रास्ते में तभी आगे बढ़ें अगर आप बहुत स्किल ड्राइवर हों, क्योंकि या तो पार्किंग बस स्टैंड में है या तो मंदिर की आधा किलोमीटर ऊपर हेलीपैड पर पार्किंग है, जिसका रास्ता बहुत ही टफ है, जो आपको ट्रेलर में देखा होगा। चौरासी मंदिरों में से मुख्य मंदिर यहाँ शिव जी का मंदिर है, जिसके बाजू में देवदार का पेड़ है, कहते हैं वो भी हजारों साल पुराना है। दूसरा खास मंदिर यहाँ नरसिम्हा जी का मंदिर है, छोटी छोटी शिवलिंग हैं और बहुत सारे देवी देवताओं के साथ यहाँ जो मेन मंदिर है चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जिसे यमराज का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के बाहर ही चाय नाश्ते की छोटी दुकान है, जहाँ हमने कुछ चाय थोड़ा नाश्ता करके अब वापसी की तैयारी शुरू की।